नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की बड़ी खबर गोरखपुर से। यूपी के चुनावी रण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी गलियों में घूमे, लोगों से उनके घर के अंदर जाकर भी मुलाकात की और वोट मांगा। गोरखपुर सदर सीट से उम्मीदवार योगी ने कल ही अपना पर्चा दाखिल किया था। योगी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान लोगों ने उन पर छत से फूल बरसाए। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी गुरुद्वारे में भी पहुंचे, माथा टेका। ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीरें रहीं। लोगों से घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी को उनके लिए वोट की अपील की। कुछ लोगों से घर के भीतर भी जाकर मुलाकात की, गुरुद्वारे भी पहुंचे, वहां पर माथा भी टेका। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, यह अनवरत बने रहना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो लोग, जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।